नमस्कार। आप सबका आज के हमारे इस सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं और कुछ होमवर्क भी दिया था, पूरी उम्मीद है कि इस बीच में आपने उन सारी बातों का मनन चिंतन जरूर किया होगा, उन चीजों को समझने की कोशिश की होगी। फिर मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ, संगीत को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, संगीत को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें समझी हुई छोटी सी भी बात आपको आगे बहुत बड़ा फायदा देगी। एक चीज मैं बता के चलना चाहती हूँ कि संगीत क्रिएशन मांगता है और क्रिएशन में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। क्योंकि फिर एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ अलंकार जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे अलंकारों को और भी बताऊंगी जो मैंने खुद अपने लिए बनाए थे और आज की डेट में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उन अलंकारों की प्रैक्टिस करवाती हूँ, करने को देती हूँ, और निश्चित तौर पर उनको उससे संगीत में बहुत फायदा होता है। क्योंकि आसान तरीके से संगीत को समझना और समझाना यही मेरा उद्देश्य है। तो आज हम कुछ नए अलंकारों की बात करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में कितने अलंकारों पे काम किया है? 3 अलंकारों पे। एक गुण और दुगुण दोनों ही स्पीड में अगर आपने उन अलंकारों को मजबूत कर लिया हो तो अब आप आगे के अलंकारों की प्रैक्टिस शुरू करें। और अगर बाई चांस ऐसा हुआ हो कि आपको समय ना मिल पाया हो या आप अभी ना समझ पाए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत परफेक्शन आप उसमें नहीं पा रहे हो, तो निवेदन है मेरा कि जो कुछ मैं आज बता रही हूँ उसको आप समझते चलिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस में तब तक मत लीजिएगा जब तक पिछली चीजों की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो जाए। अक्सर ऐसा होता है, हम इंसान हैं और हमको आगे से आगे जानने की, आगे से आगे बढ़ने की हमेशा एक लोलुपता रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने जो पीछे जो चीज़ों को सीख चुके हैं या जिन चीज़ों को हमें दिया गया है, जो जिम्मेदारियां हमारी हैं, उनको हम बेतरतीबी से यूं ही लापरवाही से निभाते हुए आगे जाएं। उसको परफेक्टली कीजिए और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये हमेशा के लिए आपके पास रहने वाली हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने उन 3 अलंकारों को बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट किया होगा, पूरा परफेक्शन उसमें वो अपने पा रहे होंगे, तो उनको आगे भी जानने की जिज्ञासा होगी। मैं आप सब लोगों को ध्यान में रख के आगे के 3 अलंकार आज फिर से आपको बताऊंगी। अब जो आगे के 3 अलंकार आएंगे उनमें सबसे पहले मुझे लगता है कि एक बात जो आपको बताना बहुत जरूरी है आज फिर से, वो मैं बताऊंगी आपको। लय, सुर को लय में बांध के कैसे चलना है, बीट्स को कैसे समझना है, ये सारी डिटेलिंग आपने पिछले एपिसोड में सीखी है। आज आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है? पिछली बार जब मैं अलंकार लिखवा रही थी, आपको याद होगा कि हर आरोह के बाद जो आखिरी सा हमको मिलता था उसके ऊपर आपने डॉट दिया है, और हर अवरोह का पहला सा जो मिलता था उसके ऊपर आपने डॉट दिया है, आपको याद होगा। तो आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी, क्यों एक सा पे डॉट नहीं है, एक सा पे डॉट है, और ऐसा आरोह अवरोह दोनों के साथ हो रहा है और हर आरोह अवरोह में ऐसा ही हो रहा है। अगर आपने जान भी लिया होगा या आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस बारे में आपको कुछ क्लियर किया जाए, तो आज मैं सबसे पहले उस पर ही बात करना चाहती हूँ। तो इस एक छोटे से सवाल का जवाब लेने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तार में जाना है। विस्तार में कैसे जाना है? जबानी तौर पे तो आप समझ गए हैं कि 7 स्वरों के मुख्य रूप से 3 परिवार, 3 समूह, 3 ग्रुप पाए जाते हैं जो हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में भी हमको आराम से मिल जाते हैं। और ये 3 ग्रुप, 3 समूह, 3 परिवार, इनके अलग अलग नाम आपको पता हो गए थे, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, यहां तक आपको पता है। अब ये मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, इनको आपने उस समय समझ भी लिया है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे इन 3 सप्तकों के स्वरों को बजाते हैं तो अलग अलग इनकी आवाज में क्या क्या डिफरेंसेस हम पाते हैं। यानी वही 7 स्वर अगर मंद्र सप्तक पे बजते हैं तो वो कैसे सुनाई देते हैं, मध्य पर जब उनको बजाते हैं तो वो कैसे सुनाई देते हैं, और तार पे जब उनको बजाते हैं, तार सप्तक पे, तो वो कैसे सुनाई देते हैं।
आपको सुन के समझने का अभ्यास अच्छी तरीके से हो चुका है। आपको हारमोनियम पर, पियानो पर किस तरीके से इन सप्तकों को ढूंढना है ये भी आप समझ चुके हैं। कहाँ ये सप्तक पाए जाएंगे आपके इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है। अब यहाँ बात ये आती है कि जब हम संगीत को लिखते हैं, संगीत की अपनी एक भाषा होती है, संगीत को जब हम लिखते हैं तो उस वक्त पर हम कैसे जाने कि हम जो कुछ भी बजाने या गाने वाले हैं, हमारे सामने एक नोटेशन रख दिया गया है, एक नोटेशन, चलिए सिंपल कोई अलंकार हमारे सामने रख दिया गया है और उसमें कुछ कुछ निशान बने हुए हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट में कहाँ मिलेंगे और इंस्ट्रूमेंट में जब ये मिलेंगे तो इनकी आवाज कैसी आएगी, हम इनके संग क्या गाएंगे, वो जानने के लिए जरूरी है कि आप इन तीनों सप्तकों को पहचानना भी सीख लें। कैसे पहचानेंगे, सिंपल तरीका बताती हूँ। आप फिर से अपनी डायरी या नोटबुक उठाइए और उसमें लिखिए जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ उसको लिखिए। एक हेडिंग बनाइए मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक एक हेडिंग बना लिया आपने अपनी डायरी या कॉपी में। उसके नीचे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सात स्वर लिखने हैं, सात स्वर, ध्यान रखिएगा सात स्वर। हम फिर से सप्तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सात स्वरों की बात करेंगे, आठ की नहीं करेंगे। लिखिए मंद्र सप्तक, आपने हेडिंग बनाई, उसके नीचे आपने सीधे से लिखा सा रे गा मा पा धा नी। ये सब लिखने के बाद आप जितने भी आपने ये लिखे हुए हैं स्वर, इन सब के नीचे 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 एक एक डॉट दे दीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए कि किस तरीके से स्वरों के नीचे नीचे एक एक डॉट बना दिया गया है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब आप दूसरी हेडिंग, थोड़ा सा नीचे आइए, दूसरी हेडिंग बनाइए मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के नीचे फिर से लिखिए सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, अब इसको आप यूं ही छोड़ दीजिए, इसमें आपको और कुछ नहीं करना। आप थोड़ा सा और अपने पेज पर और थोड़ा सा नीचे आइए और वहां पर एक अलग हेडिंग बनाइए तार सप्तक। तार सप्तक की हेडिंग बनाइए, उसके नीचे फिर से लिखिए सा रे गा मा पा धा नी। अब आपको क्या करना है कि तार सप्तक में जो आपने सारे गामा पाधा नी लिखे हैं, इन सारे स्वरों के ऊपर एक एक डॉट लगा दीजिए। जैसे आपने सा के ऊपर पहले लगाया था, सब सा के ऊपर, रे के ऊपर, गा के ऊपर, सब के ऊपर आपने एक एक डॉट दे दिया। ठीक है, अब जरा एक बार पूरे पेज पर नजर डालिए। ये पूरा पेज आपको एकदम अलग अलग दिखाई दे रहा है, आपको तीनों सप्तक बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपको बोल के भी बताना पड़े कि कैसे आप इनको अलग अलग कैसे बता पाएंगे, कैसे समझाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे से डिफर कैसे हैं, तो वो ऐसे हैं कि जब हम किसी को बताएंगे मंद्र सप्तक के जो भी स्वर हैं, आप कहेंगे मंद्र सप्तक के जितने भी स्वर हैं सारे गामा पादा नी सबके नीचे एक एक डॉट होता है, और तार सप्तक के जितने भी स्वर हैं सबके ऊपर एक एक डॉट होता है, और मध्य सप्तक जो बीच का सप्तक है उसमें ना नीचे डॉट है ना ऊपर डॉट है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि आरोह में आखिरी सा में जब डॉट लगता है और अवरोह में पहले सा में जब डॉट लगता है तो वो क्यों लगता है, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी तक मध्य सप्तक कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि अलंकार में हम अगले सप्तक का एक सा और ऐड कर लेते हैं, अगले सप्तक का या पिछले सप्तक के कुछ स्वरों को और मिला लेते हैं क्योंकि हमको उसको छंदबद्ध करके चलना है। ये आज आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो आप तीन अलंकार करने वाले हैं उनमें आगे आपको इसकी जरूरत निश्चित तौर पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज फिर से तीन अलंकारों की बात करेंगे और तीन अलंकारों की प्रैक्टिस आपको बताएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अलंकार चार से। हेडिंग बनाइए अलंकार चार। अब आपको ब्रैकेट में जो लिखना है उसको आप लिखेंगे 3/4। अब आप सोचेंगे ये 3/4 क्यों, पिछली बार हमने 4/4 किया, अगली बार 3/4 क्यों, उसका कारण बताती हूँ। पिछली बार जो आपने तीन अलंकार किए हैं ना, कुछ समय के बाद आप उन्हीं अलंकारों को तबले की ताल पर जब करेंगे तो वो आप करेंगे कहरवा ताल पर, कहरवा ताल पर। ठीक है,
और अब जो आप आज अलंकार करने वाले हैं, इनको जब कुछ समय के बाद मैं रिपीट करवाऊंगी और इनको तबले के साथ जब आप कर रहे होंगे तो ताल चेंज हो चुका होगा, ताल उस समय बना होगा दादरा ताल, ठीक है, ताल दादरा, ताल कहरवा और ताल दादरा, इन दोनों में अंतर जो है वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। और अभी हम आपको जो मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करना बता रहे हैं उसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपने 4x4 उसमें काउंट किया है, जो तीन अलंकार पहले आपने किए, और आज के तीन अलंकारों में आपको 3x4 पे चलना है, यानी आपको तीन तीन की गिनती को दिमाग में रख के चलना है। जो टिक टिक की आवाज आपको सुनाई देगी वो आपको तीन तीन के छंद में गिन के चलना है, चार का नहीं करना है आज। तो एक बार सुन लीजिए, मैं आपको मेट्रोनोम की बीट्स फिर से सुना देती हूँ। 80 BPM पर ही रहेंगे हम, वही बीट्स जो पिछली बार हमने यूज की बिल्कुल वही आपको सेटिंग कर लेनी है, और उसमें काउंटिंग आपको जो करनी है वो चेंज करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको उसको गिनना है। इस बार देखिए, ये आपको सुनाई दे रही है टिक टिक, वही टिक टिक जो आपने पिछली बार सुनी है। पिछली बार आप इसको जब गिन रहे थे तो आप चार गिन रहे थे, कैसे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 1 2 3 4। आज आपको चेंज करना है, तीन अलंकार आज के जो होंगे वो तीन तीन के छंद पर चलेंगे, लेकिन आप कैसे काउंट करेंगे इसके साथ सुनिए। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, मैं 4 पे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ 3 तक रहेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ओके, सिंपल, वही बीट चल रही है, उसी को जब हमने चार चार के छंद पे काटा है तो हमने चार गिनती ही नहीं है, और जब हमने तीन तीन के छंद बनाए तो हमने तीन तीन पर अपनी काउंटिंग को सेट किया है, ओके। तो चलिए, अब आप सबसे पहले तीन अलंकार जो आज आपको करने हैं उनको आप लिख लीजिए, जैसे आपने पिछली बार लिखा था, क्योंकि लिख के आपको भी पता है कि जब आप लिखने के बाद अपने हारमोनियम या अपने पियानो के सामने एक डायरी को रख के बैठते हैं तो वो आपको खुद गाइड करता रहता है कि आप कौन सा स्वर कब बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हेडिंग बनाइए, अलंकार चार और ब्रैकेट में 3x4, आरोह, हेडिंग लिखिए आरोह, लिखिए सा सा सा, तीन बार लिखना है सा सा सा। अब आगे लिखिए रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा। आपको याद आ गया ना कि आखिरी वाले सा पे क्या करना है आपको, बिल्कुल तीनों सा पे आप डॉट दे दीजिए, ठीक है। डॉट क्यों दे रहे हैं, अब आपको पता है कि आपने आखिरी सा पे डॉट क्यों दिए हैं, क्लियर। फिर आइए अब रो बनाइए, अब रो की हेडिंग सा सा सा, नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा, ठीक है। अब रो के बाद जो सा है फिर से उसमें डॉट, ठीक, ये हो गया आपका अलंकार चार। थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर से एक हेडिंग बनाइए, अलंकार पांच, अलंकार पांच ब्रैकेट में 3x4, अब फिर से आइए आरोह, आगे लिखिए सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा, आखिरी सा पे डॉट। अब रो लिखिए सा नी धा, नी धा पा मा, पा मा रे, गा रे सा। अब रो के बाद पहले सा पे डॉट, ठीक है। ये दो अलंकार देखिए आपने आज भी लिख दिए। अब फिर से एक बार तीसरी हेडिंग बना लीजिए, अलंकार छह, अलंकार सिक्स, ठीक, हेडिंग आरोह। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा,
सारे गा जो आपने लिखा है। अब जो अलंकार आप लिखेंगे इसको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे? सा रे सा लिखिए, सा रे सा, रे गा रे, गा मा गा, मा पा मा, पा, धा नी धा, नी सा नी, सा रे सा। आप समझिएगा, शुरुआत हुई है सारे सा से और आरोह का अंत भी हो रहा है सारे सा पे, तो अब ये दोनों सारे सा एक तो नहीं हो सकते, ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो इनमें फिर वही बात है कि इनमें अंतर कैसे आप दिखाएंगे, कैसे समझेंगे कि ये सारे सा और ये सारे सा ये अलग अलग हैं, इनको अलग अलग बजाना है, इनको अलग अलग जगह पर बजाकर अलग अलग तरीके से गाना है। कैसे? आपने लिखा है धा और सॉरी आपने लिखा है नी सा नी, आइए नी सा नी जहां लिखा है सा के ऊपर डॉट, और सा रे सा जो लिखा है सा रे सा, तीनों के ऊपर एक साथ डॉट दे दीजिए। क्लियर हो गया कि जिन नोट्स के ऊपर आपने डॉट दिया हुआ है वो सारे नोट्स कहां जा रहे हैं? हारमोनियम या पियानो के तार सप्तक में जा रहे हैं, और तार सप्तक आपको पहले एपिसोड्स में बताया जा चुका है, ठीक है? अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसमें एक बार देख के फिर से चेक कर सकते हैं कि तार सप्तक के स्वर आपको कहां मिल रहे हैं। ओके, तो ये आपने आरोह लिख लिया है, अलंकार छह का आरोह लिख लिया, अब आप अलंकार छह का अवरोह लिख लीजिए। आइए सा नी सा, दोनों सा के ऊपर डॉट दे दीजिए, सा नी सा, अवरोह के बाद सा नी सा, दोनों सा के ऊपर डॉट। आगे आइए नी धा नी, धा, पा मा पा, मा गा मा, गा, रे सा रे, सा नी सा। अब लीजिए, फिर कंफ्यूजन हुआ आपको, शुरू भी सानी सा से और अंत भी सानी सा से, तो जाहिर है कि फिर जब इनको आपको अलग अलग दिखाना है वही निशान काम आएंगे जो अभी मैंने आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है कि सानी सा जहां आपने अवरोह शुरू किया दोनों सा के ऊपर आपने डॉट दिया है, जब आप अवरोह को खत्म कर रहे हैं यहां पर आपने सा नी सा को लिया है, तो अब ये नी कौन सा है? ये नी है मंद्र सप्तक का नी, ठीक है? आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा उस वीडियो में कि मंद्र सप्तक के स्वर जो हैं उसमें नी कहां पे आता है, और ये जो लिखा हुआ है अवरोह का आखिरी जो आपने टुकड़ा लिखा सा नी सा, इसके सिर्फ नी के नीचे आप डॉट दे दीजिए। क्लियर? अब एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको सारे अलंकार जो हैं वो एक बार स्क्रीन पर देखकर आप चेक कर लीजिए कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्या आपने अपनी डायरी में अपनी कॉपी में वैसे ही लिखे हैं। अगर निशान कहीं भी गलत बना होगा, कोई भी निशान अगर आपने गलत बना दिया, गलती से भी अगर गलत डॉट आपने कहीं लगा दिया, तो कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा और उस कंफ्यूजन में सारी गलतियां जो होंगी वो आपसे होंगी। तो लिखे हुए को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, लिखे हुए को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप हारमोनियम या पियानो के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बैठें, ठीक है? तो ये तीन अलंकार जो अभी मैंने आपको लिखवाए हैं, एक बार फिर से इनकी भी एक गुण और दुगुण, आपको एक गुण दुगुण अब तो समझ में आ ही गया होगा, एक गुण और दुगुण इन दोनों लय में आपको मेट्रोनोम की 80 BPM के साथ एक बार फिर से आपको ये तीनों अलंकार यानी अलंकार 4, 5 और 6 की प्रैक्टिस बता रही हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ जैसे मैं गाऊंगी, आप वीडियो को बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा, उसके साथ भी गा सकते हैं या सुन के समझ के बीट्स को अच्छी तरीके से समझ बूझ के उसके बाद आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
मैं हमेशा आपके साथ है कि बहुत जल्दी जल्दी आप संगीत को सीखिए और बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छे बेहतरीन कलाकार के रूप में हम लोगों के सामने आए। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जल्दी में आप कोई गड़बड़ी ऐसी ना कर लीजिएगा, ऐसी लापरवाहियां ना दिखाने लगिएगा जिसकी वजह से आपको आगे जाके परेशानी हो। अभी शुरुआत में जल्दी नहीं करनी, शुरुआत में आराम से और धीरे धीरे आप अपने आप ही स्पीड बढ़ाने लगेंगे। आज को मैंने आपको 80 BPM पे बताया है, हो सकता है कि 80 BPM से खुद को आप स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जब तक अगला एपिसोड में आपको दूं उस समय तक आप 100 से ऊपर निकल चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कितना समय संगीत को दे रहे हैं, आप कितना संगीत को समझ रहे हैं और कितनी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और कितना आपके अंदर ये जुनून है कि मैं जो भी काम करूं वो सही ढंग से करूं। काम ज्यादा करना बड़ी बात नहीं है, काम को अच्छे ढंग से और पूरी ईमानदारी से निभाना बड़ी बात है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले एपिसोड में जब मुझे मिलेंगे उस समय तक आपके ये 6 अलंकार एक गुण और दुगुण में बहुत अच्छे तरीके से मेट्रोनोम बीट के साथ तैयार हो चुके होंगे। एक होमवर्क आपको देकर जा रही हूँ कि ये जो 3-3 अलंकार अलग अलग हैं, इन तीनों की एक गुण और दुगुण की प्रैक्टिस आप ऐसे कीजिएगा कि जब अगले क्लास में आप आने वाले हैं तो आपका होमवर्क चेक भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी और अगले एपिसोड में आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी कुछ फिर से नई जानकारियों के साथ, नई बातों के साथ और कुछ और नई आपकी प्रैक्टिस सेशन में कुछ चीजों को जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी आपके सामने फिर से आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।